हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू पी थीम्स चैनल। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में जानते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बसिल रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स थीम। एक्सीटोमोस ने बनाया है इसे, पावर एलिट ऑथर हैं ये। और 40 डेमो लेआउट्स हैं इस थीम में ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। तो आइए हम इसके डेमोज को देख लेते हैं। ये बसिल का मेन डेमो है और इस पे न्यू डेटा सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस भी हैं। तो ये सारे डेमोज का लिस्ट आपको मिलता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी डेमो चुन सकते हैं। हम मेन पे हैं तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो आइए हम इंस्टॉल करते हैं बसिल मल्टीपर्पस वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम। हमारे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन और इस पे कोई भी थीम अभी नहीं है, तो हम एक डिफ़ॉल्ट थीम इस पे पहले डाल लेते हैं। तो हमारे वर्डप्रेस के फ्रेश इंस्टॉलेशन में एक डिफ़ॉल्ट थीम 2020 हमने डाल दिया है और वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से 2020 थीम के साथ ऐसी है अभी। इस पे हम बसिल थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस पैनल के थीम्स ऑप्शन में जाएं और हमारे पास थीम फोल्डर में क्या क्या है ये पहले देख लें। बसिल थीम मिला है, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, प्लगइन्स कुछ मिले हैं, जेएस कंपोजर, वेब स्लाइडर और सिंपल ट्विटर ट्वीट्स, ट्रांसलेशंस मिले हैं इटालियन में और थीम पैक। इंस्टॉल करते हैं थीम्स में, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, बसिल थीम, बसिल.zip, या हम सीधा सर्वर पर भी अपलोड कर सकते हैं इसे। डब्ल्यू पी कॉन्टेंट के थीम्स फोल्डर के अंदर अपलोड, बसिल.zip, लाइट वेट थीम है ये, 4.18 MB की ही है, तो ये विद इन ए मिनट हो जाएगा। बस LGP अपलोड हो चुके हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। बस LGP को अब डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस फोल्डर हमारे पास आ चुका है। थीम्स में जाएं, बसिल थीम आ गया है, बस थीम डिटेल्स देख लेते हैं। बसिल 5.4.0 उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेशन के साथ रिक्वायर्ड प्लगइन के इंस्टॉलेशन के लिए अलर्ट आया है, तो हम तो जो नेसेसरी प्लगइन है हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले सेडर रिवॉल्यूशन,
थीम पोस्ट टाइप प्रीपैक्ड ऐसे ही अपडेट करने के ऊपर सलाह दी गई है, तो वो हम देख लेंगे। एक्टिवेट थीम पोस्ट टाइप डब्ल्यूपी पेज बिल्डर। एक्टिवेट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये डिफॉल्ट पेज पे आ गया। तो वापस हम प्लगइन्स पे जाते हैं। एक्टिवेट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, मेल चिम फॉरवर्ड पेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सेफ एस बी जी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कॉमर्स चूँकि ये थीम ही ई कॉमर्स के लिए, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। WooCommerce इंस्टॉल हो गया है, इसकी एक बेसिक सेटिंग करनी होती है WooCommerce इंस्टॉलेशन के बाद हमें करना होगा। WooCommerce का बेसिक सेटिंग बसील थीम के साथ WooCommerce को आगे बढ़ाना है, जेटपैक की हमें ज़रूरत नहीं है। थीम सेटिंग और बसील ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, तो बसील ऑप्शंस में थीम सेटिंग थीम पैनल के थीम ऑप्शंस को हम लेटर ऑन देख लेते हैं अभी इसी वीडियो में। अभी हमें डेमो इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो बेस इंपोर्ट पे जाएंगे। बेस इंपोर्ट में वो सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, तो बेस डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपको ये पोर्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा डेमो वर्जन। पहले हम बेस इंपोर्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस पेज पे ही बने रहें, पेज को रिफ्रेश ना करें। और बेस इंपोर्ट हो चुका है, ये मैसेज आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं अगर हम किसी दूसरे लेआउट को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वर्जन चेंज कर सकते हैं। वैसे बेस इंपोर्ट के बाद आपका मेन डेमो जो ये लेआउट है वो आ जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं वेबसाइट को। यस, ये सारे डेमो डेटा हमारे बेस इंपोर्ट के साथ आ गए हैं, वेबसाइट तैयार है। थीम डेवलपर ने इमेजेस नहीं दिए हैं, उसके जगह प्लेस होल्डर इमेजेस मिलते हैं आपको, तो जाहिर है हमें अपनी वेबसाइट के लिए अपनी इमेजेस ही यूज़ करने होते हैं। वैसे भी रेस्ट ऑफ थिंग्स वेबसाइट की देख लेते हैं, ये सारे पोर्शन आ चुके हैं और
शॉप देख लें एक बार। अच्छी स्पीड है इस वेबसाइट की, तो हमने वासील वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल कर लिया है और हमने सारे पेजेस को भी देख लिया है ऑलमोस्ट। तो वापस आइए, हम इस थीम पैनल पे चलते हैं और थीम पैनल के फीचर्स देख लें, क्विक रिव्यू कर लेते हैं एक बार थीम सेटिंग्स की। इसमें मिलता है हमें जनरल सेटिंग्स, मोबाइल बटन, नेव बार, इंटीग्रेशन एपीआई, जनरल लेआउट, पेज टाइटल, फुटर, हेडर, टाइपोग्राफी, हेडर में कई ऑप्शन हैं, टाइपोग्राफी, एडवांस टाइपोग्राफी, स्टाइल एंड कलर्स, कलर्स आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं मेन कलर के सहित, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, शॉप, शॉप के सारे ऑप्शंस, प्रोडक्ट पेज, लॉगिन रजिस्टर, कस्टम सीएसएस, कस्टम जीएस, सोशल प्रोफाइल्स, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को भी अलग से किया गया है, इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है इस पोर्शन को यूज़ करते हुए, अदर्स, मेंटेनेंस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो थीम पैनल पे वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो बेसिकली एक वेबसाइट के लिए चाहिए होता है, और इस थीम को हमने पूरी तरीके से, बसील वर्डप्रेस थीम को हमने पूरी तरीके से इंस्टॉल कर लिया है, डेमो को इंपोर्ट कर लिया है। अगर दूसरे डेमोज की ज़रूरत हो तो ऑप्शंस आपको दिखा चुका हूँ मैं। तो इस थीम को आपको इंपोर्ट करने में या इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के डिस्कशन में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत अच्छे अच्छे थीम आने वाले हैं आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग WP थीम्स चैनल।